हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली डिलाइटेड टू शो वन मोर मिरेकल ऑफ होम्योपैथी। ये थोड़े दिन पहले मैंने एक वाइट फ्लाई और सूटी मोल्ड के ऊपर वीडियो डाला था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वही प्लांट है जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया था सोराइनम 200 से। वैसे तो 3 या 4 ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, लेकिन आज मैं अपने गार्डन में गई तो आई वो सरप्राइज टू सी कि एक ही अटैक में जो था, एक ही डोज में सारी वाइट फ्लाइज जो हैं वो प्लांट को छोड़ के जा चुकी हैं। जब मैंने प्लांट को शेक करके देखा तो मुझे एक भी वाइट फ्लाई नहीं दिखी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बैक साइड पे कितनी वाइट फ्लाइज का झुंड था। तो अब आप देखिए कि किसी भी पत्ते की बैक साइड पे आपको कोई भी सफ़ेद मक्खी नहीं दिख रही है। इसका मतलब सारी जो वाइट फ्लाई थी वो प्लांट को छोड़ के जा चुकी है, और शेक करने पे भी कोई आपको वाइट फ्लाई इसमें नहीं दिख रही। और दूसरी, इसमें जो डिज़ीज़ थी ब्लैक फंगस वाली, सूटी मोल्ड वाली, जो आपको पत्ते काले काले दिख रहे थे, तो वो भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पिछले 2 दिन में जो नई ग्रोथ आई है, ये वाले जो न्यू लीव्स आई हैं, ये बिल्कुल हेल्दी हैं। इस पे सूटी मोल्ड का अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों नए पत्तों की दिखा रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश लीव्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं। दैट मीन्स जो हमारा प्लांट है वो फ्री ऑफ वाइट फ्लाई एंड फ्री ऑफ ब्लैक फंगस हो चुका है। अब इसको कोई भी खतरा नहीं है। अब जो इस पे फ्रूटिंग होगी वो भी अच्छे से होगी और हेल्दी कैप्सिकम्स आएंगी। तो ये एक अनदर मिरेकल ऑफ होम्योपैथी है। मैंने सोचा लाइव रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच रही थी या 3 से 4 ट्रीटमेंट के बाद ही आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी। लेकिन आज जब मैं अपने गार्डन में गई तो मैं देख के हैरान थी कि सारी की सारी जो वाइट फ्लाइज हैं वो प्लांट को छोड़ के जा चुकी हैं। अब बात करते हैं सूटी मोल्ड की। देखिए, जो पत्ते हमारे किसी भी फंगल डिजीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं, वो पत्ते तो देखिए प्लांट अपने आप ही उन्हें गिरा देता है जब हम उसका रूट्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज आप खुद भी उन्हें रिमूव करके अपने गार्डन से बाहर फेंक सकते हैं। जैसे मैं, वो काफ़ी वीक हो जाते हैं तो अपने आप ही प्लांट से झड़ के गिर जाते हैं, या फिर आप उन्हें ट्रीटमेंट देने से पहले भी जो अफेक्टेड लीव्स हैं उन्हें आप कट करके अपने गार्डन से दूर फेंक सकते हैं। जो न्यू लीव्स आते हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो आप ये मत मानिएगा कि जो अफेक्टेड लीव्स हैं वो भी आपके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से एकदम हेल्दी हो जाएंगे। वो तो आपको कट करके फेंकने पड़ेंगे या प्लांट अपने आप उन्हें गिरा देगा। जो न्यू लीव्स आएंगे वो हेल्दी रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।